फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो मिल्क शेक, जिसकी रेसिपी बहुत इजी होती है और बिल्कुल 2 मिनट्स में बन जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, आगे गर्मियाँ आ रही है, गर्मियाँ आ चुकी है इनफैक्ट, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। गर्म दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आप इस फॉर्म में उसे पिला सकते हो। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए फिर आज हम बनाते हैं ओरियो मिल्कशेक। मिल्कशेक बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। ये मैंने चॉकलेट सॉस लिया है, जो कि आराम से मार्केट में मिल जाता है, कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। मेरे पास ये ब्रांड अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये लिया है। ये मैंने मिल्क लिया आधा ग्लास के करीब। ये मैं एक ग्लास की रेसिपी बता रही हूँ। 4 मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, और ये 2 स्पून मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। तो चलिए फिर हम आज बनाते हैं ओरियो मिल्कशेक। सबसे पहले मैं मिक्सी का एक जार लूंगी और उसमें इस तरह बिस्किट्स को टुकड़े करके डाल दूंगी। मैं ये 3 बिस्किट डालूंगी और 1 बिस्किट मैं रख लूंगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा आइसक्रीम डालूंगी और थोड़ी सी, इतनी सी आइसक्रीम मैं 1/2 टीस्पून के करीब रख लूंगी। अब मैं इसमें यह दूध डाल देती हूँ। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आइसक्रीम भी मीठी होती है और बिस्किट भी मीठा होता है, इसीलिए। अब हम इसे चर्न करेंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चर्न हो गया है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। सर्व करने के लिए मैं ये जो चॉकलेट सॉस लिया है, मैं उसको इस तरह ग्लास में डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप घबराए नहीं, ना भी डालेंगे तो चलेगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह आप सर्व करें। तो आप सबसे पहले, फिर मैं इसके अंदर ये डालने के बाद ये इसके अंदर पोर करूंगी। अब मैंने ये मिल्क शेक इसके अंदर डाल दिया, ओरियो मिल्क शेक। अब इसके अंदर मैं ये आइसक्रीम डालूंगी। और आइसक्रीम डाल के ये बिस्किट का जो मैंने एक रखा था, वो मैं इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके ऊपर से डाल दूंगी। और थोड़ा सा हल्का सा सिरप डालेंगे। अब आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है, और बिल्कुल ये 2 मिनट में बन गया। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये कैसा बना है। और ये अपने बच्चों को, बड़ों को कभी भी आप सर्व कर सकते हो, और हम मेरे को बताएं कि कैसा बना है। थैंक यू।